नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है विदिशा जिले के गंज बसोदा से। प्रस्तुत है इंडिया खबर लाइव संवाददाता एलन चौबे की एक रिपोर्ट। कलम के सिपाही खबरों के साथ साथ घर के काम में भी हाथ बटाते हैं। पत्रकारों ने नागरिकों से अपील की है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। जी हाँ, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण 40 दिन का देश में लॉकडाउन है। इस संकट की घड़ी में नागरिकों तक सही खबर पहुंचे, इसके लिए पत्रकार लॉकडाउन के समय दिन भर जान जोखिम में डालकर खबरें खोजते हैं और फिर बचे समय में घर पर जाकर घर के सदस्यों के साथ काम में हाथ बटाकर लॉकडाउन का समय व्यतीत कर रहे हैं। नगर के वरिष्ठ पत्रकार गण स्वराज्य एक्सप्रेस के देवेंद्र त्रिवेदी, मध्य स्वदेश के अमित शुक्ला, नवदुनिया के राजेश चुड़ार, नवभारत के रवि यादव व एलन चौबे घर के कामों में सहयोग करते हुए व बच्चों के साथ समय व्यतीत करते हुए देखे गए। विदित है कि संकट काल में डॉक्टर, स्वच्छता कर्मी, पुलिस के साथ साथ पत्रकारों की भी अहम भूमिका है। इसलिए इस खबर के माध्यम से पत्रकारों ने नागरिकों से अपील की है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, तभी हम इस संक्रमण को हरा सकेंगे। विदिशा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। क्या है मम्मे में इस टाइम इस कोरोना वायरस को इस महामारी को लेकर हमारे पत्रकार साथी 53 लोगों को एकदम पॉजिटिव मिले हैं देखने को। तो हम लोगों ने भी सोचा कि कम से कम घर से निकलें, जो खास ही कोई अगर खबर है, जो जनहित की अगर खबर आती है, उसी के लिए हम घर से बाहर निकलें। तो इस वजह से हम लोग क्या घर में अपना काम कर रहे हैं, जो भी घर में काम हो जाए, यानी जो भी हमारे लायक काम हो जो हम कर सकते हैं, और अपने घर में हाथ बटाएँ और बच्चों के साथ रहें हिल मिल के, और बच्चों से टाइम नहीं दे पाते खबरों की वजह से। तो इसी वजह से हमने आज यहाँ पर सफाई अपने घर की है।